आप 4G सिम है, उसको आप 5G में अपग्रेड करना चाह रहे हो, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है। कुछ स्टेप होते हैं, नया मैसेज टाइप करना होगा, ठीक है। स्टार्ट चैट पर क्लिक करने के बाद में वन टू वन टाइप करना है। वन टू वन टाइप करने के बाद में आपके सिम के पीछे एक यूनिक नंबर लिखा होगा। बिल करने के बाद में नेटवर्क मोड वगैरह आपको इसमें शो करेंगे, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, 5G पे जाएंगे, 5G पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, क्या आपके पास एयरटेल का पुराना 4G सिम है और आप उसको 5G में अपग्रेड करना चाह रहे हो, या आपके पास जियो का 4G सिम है उसको आप 5G में अपग्रेड करना चाह रहे हो लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है। कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि आप नया कनेक्शन लेना चाह रहे हो 5G का, तो वो भी है। अगर आप चाहते हो कि मेरा वही सिम यूज़ होता रहे जो मेरा पुराना नंबर है और उसको मैं 5G में अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो किस तरीके से आप अपने 5G में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अपग्रेड कर सकते हो अपने 2G 3G। देखो पहले बहुत सारे सिम होते हैं जिसमें कि एक एयरटेल हो गया, VI हो गया, तो ये आपके कीपैड फ़ोन में भी यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका 2G 3G 4G वो किसी में भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपका जियो का फ़ोन है, सॉरी जियो का सिम आपके पास है, तो वो आपका केवल जियो ही जो 4G हो उसमें ही काम करेगा, जियो के 4G स्मार्टफोन में ही काम करेगा। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास पुराना 4G का सिम है और अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल है और आप 5G सर्विस यूज़ करना चाह रहे हो और किस तरीके से आपके आपको अपना 5G में कन्वर्ट करना चाहते हो अपने 4G स्मार्टफोन में, 5G को कैसे यूज़ करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन की कैपेसिटी चेक कर लीजिए कि आपका जो स्मार्टफोन है, अगर पुराना फ़ोन है तो उसमें 5G सपोर्टेड नहीं होगा। अगर नया फ़ोन आपने ले रखा हुआ है और अगर उसमें आप चेक कर लीजिए पहले कि आपका 5G सपोर्टेड फ़ोन है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप अपने जो इस पुराना सिम आपके पास है, एयरटेल हो या VI का हो, उसको आप 5G में कैसे अपग्रेड करना चाह रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। सेटिंग्स में आपको नहीं जाना है, सॉरी, आपको मैसेज में जाना है। मैसेज में आपको जो 4G का है उसको 5G में अपग्रेड करना है, तो सिंपल आपको कुछ मैसेज करना होगा, ठीक है। उस मैसेज के थ्रू ही आपका जो 4G सिम होगा 5G में अपग्रेड हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आप सेटिंग उसमें जाएंगे, मैसेज में जाएंगे। मैसेज में जाने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप ए मैसेज, आपको एक नया मैसेज टाइप करना होगा, ठीक है। स्टार्ट चैट पर क्लिक करने के बाद में वन टू वन टाइप करना है। वन टू वन टाइप करने के बाद में आपके सिम के पीछे एक यूनिक नंबर लिखा होगा, 20 डिजिट का, जो 20 डिजिट का आपके पास एक यूनिक नंबर लिखा होगा सिम के पीछे, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। 5G लिख के आपको इसमें ऐड कर देना है। जो भी हो, मैंने तो इसमें सिंपली आपको बताने के लिए इसमें टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपके सिम में जो पीछे लिखा हुआ हो या नया सिम आपने लिया हुआ हो उसमें आपको पीछे कुछ लिखे होते हैं नंबर हैं, वो आपको उसमें टाइप करना है मैसेज में। जैसे मैंने इसको टाइप कर दिया, टाइप कर देने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम मैसेज को सेंड कर देंगे, ठीक है गाइस। इस मैसेज को जब हम सेंड करेंगे तो आप हमारे पास एक वेलकम टू 5G वर्ड, वेलकम टू 5G में आपका एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा आपका पुराना 4G का एयरटेल या जियो का जो भी उसका होगा, वो आपका 5G में अपडेट हो जाएगा VI का। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, कि आपके पास 4G का फ़ोन है और आपने उस सिम को 5G में अपग्रेड कर लिया, तो वो तो चलेगा नहीं। वो तो जो पुराने फ़ोन्स आ रहे थे वो तो 4G की स्पीड से बने हुए हैं ना, तो उसमें वो कैपेसिटी उसमें होगी नहीं, तो आपका सिम बेकार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने फ़ोन को चेक कर लें कि हमारा फ़ोन 5G को सपोर्ट करता है कि नहीं, 5G नेटवर्क को। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद में आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद में देखेंगे कि आप एक नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल इंटरनेट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सिम 1 पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सिम 1 पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो 5G को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, कि मैंने ऐसे ही आप बिना जाने अपने फ़ोन की कैपेसिटी 5G में अपने सिम को अपग्रेड कर लिया। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सिम 1 पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सिम 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिम 1 पे क्लिक करने के बाद में
आपको कुछ चीज़ें शो करेंगी फ्रेंड्स। सो मन पे क्लिक करने के बाद भी नेटवर्क मोड वगैरह आपको इसमें शो करेंगे, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो 5G पे जाएंगे, 5G पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो ये फ़ोन है 5G है कि नहीं है। उसके बाद ही आप अपने सिम को 4G को 5G में अपग्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में पहले चेक करके 4G को आप 5G में अपडेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आप उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।